बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी तो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, उसका नाम है चिकन ब्रेड पॉकेट्स रमज़ान स्पेशल। ये स्नैक्स जो हैं वो ऊपर से बड़े क्रिस्पी से हैं लेकिन अंदर बड़े यम्मी एंड चीज़ी से हैं। इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं उनके सामने बनाइए, उनको सर्व कीजिए। यकीन करें आपके गेस्ट आपकी तारीफ के बगैर नहीं रहेंगे। एंड आल्सो बेस्ट फॉर योर लंच बॉक्सेस फॉर योर चिल्ड्रन। चलिए जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए पहले जो है हम चिकन का जो है मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने जो है लहसुन का पेस्ट लिया है जिसको हमने फ्राई कर लिया है। हल्का सा ये सौते हो जाए फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ के जी बोनलेस चिकन। चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। अब हम इसमें स्पाइस ऐड कर रहे हैं जिसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून पीली लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा पानी। बहुत ज़बरदस्ती हमारी ये फ्लेम तैयार होगी। हमें छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं चिकन के। पानी डालने के बाद अब हम इसको ढककर पकाएंगे 10 मिनट तक के लिए ताकि हमारे चिकन जो है वो गल जाए। हमने चिकन को ढक दिया है और दरमियानी आँच पे हमने चूल्हे को कर दिया है। चिकन जो हमारे पानी गर चिकन का वो ड्राई हो गया है। अब मैं इसे करने वाली हूँ 1 बड़ी प्याज स्लाइस में कटी हुई। इस तरीके से आपने बारीक कर लेनी है प्याज को, स्लाइस कर लेनी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने इसका प्याज को मिक्स कर लिया है। करूँगी 2 शिमला मिर्चें इस तरह से लंबाई में कटी हुई। अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। सब्जियों को ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर जिनको मैंने जो है लंबाई में काट लिया है, उनके बीज हमने निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें जो है चीज़ की 2 स्लाइसेस जो है वो ऐड कर रही हूँ और इसको जो है हम छोड़ देंगे ताकि ये खुद ही मेल्ट हो जाए। हमारे ज़बरदस्ती स्टफिंग जो है वो तैयार हो रही है। अब हमने 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और अब हम इनकी साइड से कटिंग कर देंगे। इनके से हम इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको अच्छे से हम कट कर लेंगे 4 साइड से। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसको हम जो है इस तरीके से दोनों ब्रेड को बिल्कुल आपने बराबर रख के इस तरह से आपने बेल लेना है बिल्कुल पतला। अब ऐसा क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ ताकि जो दोनों हमारे स्लाइसेस हैं वो आपस में जुड़ जाएं। और इसके बाद हम आपके पास अगर कोई कटर है तो आप कटर ले लीजिए, मेरे पास ये ग्लास है तो मैं इससे जो है इसको इस तरह से कट कर लूँगी। इस तरीके से कट जाएगा और ये हमारे पास जो है ये ब्रेड का एक जो है बन जाएगा। इसी तरीके से आपने सारे ब्रेड जो है बना लेने हैं। चलिए जी हमने 2 अंडे ले लिए हैं। अब हम इन अंडों को फेंट रहे हैं और अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि आपने उस ब्रेड के स्लाइसिस के साथ क्या करना है।
चलें जी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम इन स्लाइसेस को ब्रेड के अंडे में डिप करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। चलें जी, अच्छे से हमने इनको कोट करना है ब्रेड क्रम्स में। इस तरीके से हम सारे ब्रेड्स को तैयार कर लेंगे। अब हम इनको मीडियम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से ये फूल गए हैं। बेसिकली जो है हीट की वजह से जो गैस आई है उसकी वजह से ये फूल गए हैं। इस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इनकी असेंबलिंग कैसे करनी है। इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे। पहले हम इस तरीके से सॉस को लगा लेंगे। मैं सलाद पत्ता लगा रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैं फिलिंग लगाऊंगी। अब हम लगा रहे हैं इसमें फिलिंग, ऊपर से हम लगाएंगे सॉस। ये देखें, हमारे चिकन पॉकेट जो है तैयार हैं। इस तरीके से हम सबको तैयार कर लेंगे। हमारे ज़बरदस्त से चिकन ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी।